लॉयर से कैसे बनी आयशा सिंह एक्ट्रेस और एक हफ्ते के अंदर कैसे मिल गया स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार में, जिसमें वो सई का लीड रोल प्ले कर रही हैं। एक्चुअल में आयशा सिंह की रियल लाइफ स्टोरी भी किसी सीरियल से कम नहीं है। बहुत सारे उतार चढ़ाव, उनके पेरेंट्स का एक्टिंग के लिए परमिशन ना देना और एकदम से अपने फील्ड को चेंज कर देना और भी बहुत कुछ। तो आज की इस वीडियो में हम आयशा सिंह की इसी उतार चढ़ाव से भरी लाइफ स्टोरी और सक्सेस जर्नी को जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। आयशा सिंह का जन्म 19 जून 1996 को आगरा उत्तर प्रदेश की एक लॉयर फैमिली में हुआ। आयशा ने अपनी स्कूलिंग सेंट पैट्रिक्स जूनियर कॉलेज आगरा से की। इसके बाद उन्होंने SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल मुंबई से अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। पर आयशा का असली सपना तो एक्टर बनने का था। काफ़ी सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चों के लिए पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे। तो आयशा सिंह की फैमिली में भी कुछ ऐसा ही था। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि आयशा सिंह लॉयर बने, इसी वजह से उन्होंने लॉयर की पढ़ाई की। तो लॉयर के बाद वो एक्ट्रेस कैसे बनी? दरअसल आयशा को एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना था, जिसके लिए उन्होंने अपने लॉ के करियर को पीछे छोड़ दिया और पूरी तरह से एक्टिंग में फोकस करने लगीं। स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स एग्री नहीं थे कि आयशा एक्टिंग फील्ड में जाएं, लेकिन आयशा ने अपनी सारी लॉ स्किल्स अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करने में लगा दी। फिर क्या था, उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक्टिंग के लिए परमिशन दे दी, जिसके बाद उन्होंने अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल एक्टर प्रिपेयर से एक्टिंग का कोर्स किया और उन्होंने अपना पहला ऑडिशन भी एक्टर प्रिपेयर में ही दिया था। तो यहाँ से शुरू हुई आयशा की एक्टिंग जर्नी। एक्टिंग फील्ड में आने से पहले आयशा को लिखने का भी काफ़ी शौक था और जश्न कलम में उन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स से सभी का दिल जीत लिया, जिसमें उन्होंने अमृता प्रीतम की 100th एनिवर्सरी पर अपनी एक स्टोरी भी नरेट की थी, जिसे ऑडियंस द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। स्टार्टिंग में आयशा ने काफ़ी ऑडिशंस दिए, लेकिन उन्हें लगातार रिजेक्शन ही फेस करना पड़ रहा था। फिर उन्होंने साल 2015 में GTV के सीरियल डोली अरमानों की के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया। तो आयशा का पहला डेब्यूट शो डोली अरमानों की था। उसके बाद साल 2016 में उन्होंने जिंदगी अभी बाकी है मेरे घोस्ट में एमी डी कोस्टा का करेक्टर प्ले किया था और आयशा अपने रोल के लिए इतनी सीरियस थी कि उन्होंने इसके लिए अपने लंबे सुंदर बाल भी कटवा दिए थे और एक रियल एक्टर की यही पहचान होती है। इसके अलावा उन्होंने साल 2017 में फिल्म अदृश्य में भी काम किया। इसी मूवी से वो बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुकी हैं। आयशा सिंह को लास्ट मोमेंट पर स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार में कैसे मिला? दरअसल जब इस शो की तैयारी हो रही थी तो लॉकडाउन का टाइम था और इस शो की कास्टिंग भी लगभग पूरी हो गई थी। सिर्फ सई जोशी के करेक्टर के लिए कास्टिंग चल रही थी और इसके लिए काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस से भी बात चल रही थी। उसके बाद आयशा को ऑफर गया। दरअसल आयशा उस दिन अपने होम टाउन आगरा जाने वाली थी, लेकिन उसी दिन उन्हें ऑडिशन के लिए कॉल आया, जिसके बाद वो ऑडिशन देकर आगरा चली गईं। आगरा जाने के बाद उन्हें कॉल आया कि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही आयशा का सई जोशी के करेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया। इस शो में आने के बाद तो आयशा सिंह सबकी फेवरेट बन गईं। उन्हें घर घर में जाना जाने लगा और ये शो टॉप 5 की TRP लिस्ट में आता है। तो कुछ ऐसे आयशा को उनका पहला लीड रोल मिला, जिसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। तो गाइज, ये थी आयशा सिंह की लाइफ स्टोरी और सक्सेस जर्नी। अगर आप भी गुम है किसी के प्यार में सीरियल देखते हैं और आयशा सिंह के फैन हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।